तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और वीडियो लेके। आज हम वापस से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। यस, और कुछ डिफरेंट लग रहा होगा आई नो, क्योंकि ये है पीसी माइनक्राफ्ट। अगर आपको भी पीसी में खेलना है तो मेरी एक वीडियो है, वो जाके देखो। और भाई मतलब पीसी वाला माइनक्राफ्ट खेलने में जो मज़ा आ रहा है ना, मतलब भाई कतई नेक्स्ट लेवल। और मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे एक चेस्ट पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल भी खाली है, क्योंकि जब मैं शीप्स को मारूंगा उससे जो कलेक्ट होगा वो मैं यहाँ पे रखूंगा। यहाँ पे अगर मैं काउ से दूध निकालूंगा एंड उनको मारूंगा, उनका जो लेदर वगैरह मैं सब यहाँ पे रखूंगा। एक जैसी आउटसाइड चेस्ट पड़ा होता है, हम वेल्ले आदमी हैं। और यहाँ पे देखो, मैंने कुछ कारीगरी कर रखी है अपनी। और ये जो देख रहे हो ना शीशा, ये गाइस मैंने क्रिएटिव से नहीं लिया, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आजू बाजू में सैंड पड़ी थी तो मैंने सैंड से ग्लास बना सकते हैं। ये जो लालटेन दे सकते हो, और जो पीछे जो लालटेन था वो मैंने क्रिएटिव से लिया है। भाई थोड़ा सा चलता है यार, मतलब क्या कर रहे हो यार, इतना चलता है यार। तो अब बारी आती है हमारे आलीशान घर के बारे में, जो बिल्कुल भी आलीशान नहीं है, एक नॉर्मल सा घर बनाया है। यार मैंने सोचा कोई कासल वासल बनाऊंगा, लेकिन नहीं भाई, इतना नहीं कर सकते, टेक्नो गेमर्स नहीं है हम, और ना ही बीस्ट बॉय शुभ है। चुपचाप से यहाँ पे आते हैं। और ये देखो, मैंने एक सस्ता गेट बना रखा है, जो कि ये विलेजर्स हैं, मैं इनको देख सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक विलेज में मैंने अपना घर बनाया, तो मैंने फिर इनको यहाँ से बोर्ड पे बिठा के यहाँ पे ले आया मैं तो। और इनसे मैं ट्रेडिंग भी कर सकता हूँ, बस यहाँ से अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, जो पीछे है उनसे मैंने ट्रेडिंग करी थी, मैंने ट्रेडिंग कर ली है। मैंने एक दो तलवार लिया, क्योंकि मेरे को एमराल्ड्स इन्हीं के पास से मिले थे। अब चलो गाइस, थोड़ी सी बारीकी से देखते हैं इन विलेजर्स को। यहाँ पे मैंने दो आयरन गोलम्स को लेड से बांध के मैं यहाँ पे पटक दिया था। भाई मेरी हिंदी बहुत ख़राब हो रही है, आई नो, पता नहीं क्यों, लेकिन पता नहीं यार। तो गाइस आज मैं बहुत सारे काम करने हैं, क्या बोल रहा हूँ यार, मेरे को बहुत सारे काम करने हैं आज। मेरे को अपने इस छोटे से शहर में, शहर नहीं है यार, छोटा सा वर्ल्ड भी नहीं, क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, अपने छोटे से घर में मेरे को लाने हैं पांडास। यस, पांडास लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल है, पांडास मिलना मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है उसके लिए तो मैं देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। और तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास चेस्ट में क्या क्या सामान है। डायमंड किस वर्ड कहाँ से आई भाई, इनके पास डायमंड थे, ये देखो 9 डायमंड अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। भाई 9 डायमंड कहाँ से लाऊंगा मैं, बताओ यार, मतलब डायमंड इनके पास थे, इनके घर मैंने अच्छे से लूट लिया है। एंड ये है वो एन्चेंटेड तलवार, जो कि मैं इसे संभाल के रखूँगा, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी हम निकल पड़े हैं अपने टूर में। यहाँ पे मैं सब कुछ सामान वामान रख देता हूँ। ये शीप्स बहुत शोर मचा रही है, इनको मारना पड़ेगा। नहीं नहीं, मारना बिल्कुल नहीं है, एनिमल हंटिंग नहीं है, सलमान खान नहीं है। देखो देखो कैसे आ रहे हैं, ये लो ब्रीडिंग करो। तो देखो मैंने इनको भी ब्रीडिंग करवा दी, मतलब इनको भी मैंने घास दे दिया है, वीट घास नहीं बोल सकते, माइनक्राफ्ट के जो प्रो प्लेयर्स है वो ऑफेंड हो जाते हैं, घास नहीं वीट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो मैंने चेस्ट है, जो मैंने चेस्ट यहाँ पे रखे हैं, इसीलिए रखे हैं ताकि यहाँ इतना लेट आ रहा है, मतलब भाई साहब। तो मैंने चेस्ट यहाँ पे इसलिए रखा ताकि मैं इनसे जो मारूँ या फिर इनसे जो कलेक्ट करूँ वो मैं चेस्ट में रख पाऊँ। तो मैंने सब कुछ सामान चेस्ट में रख दिया है। वैसे मेरे को नहीं पता एक बार में किसे रख सकते हैं, किसी को शॉर्टकट की पता है तो प्लीज़ बताओ मेरे को नहीं पता। तो गाइज अब वक्त आ चुका है सैर पे जाने का। सैर पे लिए हमें पांडा ढूंढने जाना है, पांडास ढूंढने जाना है, क्योंकि एक पांडा से नहीं चलेगा। और मैं कुछ पहले एनिमल हंटिंग कर लेता हूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है एनिमल हंटिंग, तो वो भी करनी पड़ती है, तभी तो उनसे हम लेदर बनाएंगे, लेदर से हम बुक्स बनाएंगे, बुक्स से लाइब्रेरी बनाएंगे, समझ रहे हो ना। तो यस वही है, तो अभी हम जाएंगे, तो बस मार दिया, काम हो गया, बच्चे तेरे को मरना है, नहीं मरना, निकल यहाँ से। ए बाहर के सर, ओ बाहर आ गए थे, मतलब देखो मैंने अभी बीबी का लोगो बना लिया था एंड मैं यहाँ से आ चुका हूँ यहाँ पे अभी। और यहाँ पे देखते तो बहुत सारा सामान है, आई एम वेरी अमीर, रिच, और मेरे पास रेड स्टोन भी है, और इससे मैं बनाने वाला हूँ कंपास। अब बोलोगे भाई कंपास क्यों चाहिए, है ना, नहीं तुम क्या नूब हो,
नहीं, प्रो प्लेयर्स क्या करते हैं, कंपास लेके जाते हैं ताकि वो रास्ता ना भटके। और रास्ता क्यों भटकते हैं, क्योंकि उनको याद नहीं रहता, मेरे को भी याद नहीं रहता। तो गाइस कंपास बनाना पड़ेगा। कंपास की रेसिपी है बहुत सिंपल है, हमें आयरन चाहिए एंड रेड स्टोन डस्ट चाहिए बस। तो आयरन मेरे पास ये रहा, मिल गया मेरे को आयरन, और क्राफ्टिंग टेबल में खोल लिया है। आयरन को कुछ इस प्रकार से डायगनल सा, एक मिनट इसको हटाओ, हाँ एक मिनट इसको हटा के, एक मिनट गलत जगह पे, हाँ बस अब ठीक है, इसको हटा दिया, हाँ ओके। अब बीच की जगह पे ना रेड स्टोन लगाना है मेरे को, बस कंपास बन गया। एक और क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा बना के रखूँगा क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस हो गया अपना काम, अभी चलते हैं पांडा ढूंढने। तो देखो गाइस सामने मेरे को पांडा दिख भी चुका है, लेकिन मेरे को उसको टेम करने के लिए मेरे को गन्ना चाहिए। गन्ना नहीं होता, बैम्बू होता है। गन्ना क्या है भाई, गन्ना यहाँ पे गन्ना नहीं है, ये दिस इज नॉट गन्ना, गन्ना इज शुगर केन, डिफरेंट, इट इज बैम्बू। ओके ये बैम्बू है, तो मैंने बैम्बू यहाँ पे ले लिया है। मैं उस पांडा को टेम करूँगा। मेरे को पता नहीं पांडा यहाँ पे कैसे ब्रीड हो रहा है, मतलब यहाँ पे कैसे स्पॉन हो गया पांडा। अबे भाई कहाँ है बैठ गया यार, मतलब भाई यार क्या देखो, देख कैसे देख रहा है। ओ भाई मुंडी कैसे टेढ़ी कर ली, बड़ा जी से पांडा यार, भाई मुंडी टेढ़ी करके भाई बड़ा क्यूट लगता है पांडा। मैं ना पोलर बियर भी लाऊंगा, नहीं टेक्नो गेमर्स की कॉपी नहीं कर रहा मैं, मतलब भाई एनिमल्स कितने क्यूट लगते हैं यार, मतलब डॉगी वॉगी सबके पास होता है, लेकिन पांडा वांडा यार मतलब सही है यार, बहुत क्यूट है। देखो कैसे मतलब भाई मजा आ रहा है इसको देखने में, लेकिन भाई टाइम वेस्ट कर रहा है, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है भाई, जल्दी खा ले भाई। इतना सा तो मैंने दिया था, एक बार मैं टेम हो गया था लेकिन, और मैंने सुना है कि जो पांडा है ना ये ना लोगों को मारता है। पांडा तू लोगों को मारता है क्या, तू गंदा बच्चा है क्या। मैं इसको लीड भी नहीं कर पा रहा, मतलब कि लीश जो होता है ना, मतलब कि वो होता है ना जिससे मैं इसको ले जा सकूँ। मैं कैसे ले जा सकता हूँ इसको, मैं इसको देखो मैं लीड नहीं कर सकता इसको, मतलब लीश लीड होता है या लीश होता है मेरे को नहीं पता, मतलब क्या प्रो बनेगा रे तू। तो भाई मतलब कैसे ले जाऊँ इसको मैं, आई थिंक मेरे को इसको बैम्बू का लालच दे के ले जाना पड़ेगा, पता नहीं यार। मतलब मैंने सोचा मैं इसको लीश करके ले जाऊँगा, बट कैसे कैसे मैं इसको लेके कैसे जाऊँ यार, बैम्बू से तो ये मेरे पीछे पीछे आएगा नहीं भाई, वैसे ही स्लो है। तो गाइस मेरे को वो पांडा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो पांडा बहुत गंदा था। तो मेरे को सामने एक और पांडा दिखाया जो कि पानी में कौन ब्रीड होता है भाई। मेरे को लगता है ना जब मैं गन्ना लेके आ रहा था इसने मेरे को देख लिया एंड ये ना वहाँ से आके पानी में घुस गया। भाई पागल है क्या, अब मेरे को इसको ले जाना पड़ेगा, मैं कैसे ले जाऊँ। आई थिंक मेरे को ना ऐसा बनाना पड़ेगा। ओ ओ, ओ भाग रहा है, देख गन्ना दूंगा इधर गन्ना दूंगा इसके ऊपर। अबे भाई क्या ही नखरे हैं इसके यार, मतलब अच्छा आई थिंक इसके नखरे नहीं है, ये पानी में ऐसा आ नहीं सकता। मेरे को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ना ये पानी में आ जाए, मतलब पानी में नहीं मतलब कि कोबल स्टोन के ऊपर आ जाए। भाई आ जाना क्या लेगा यार, आ जाना भाई, इतना तो कर दिया यार पांडा भाई, गन्ना चाहिए ना। देखो इसको ये भी मेरा वो हो गया, मेरा फ्रेंड बन गया, लेकिन आ नहीं रहा ये, पता नहीं क्यों, पता नहीं जी कौन से नशे करता है ये पांडा, कौन से नशे करता है। जल्दी आ जा भाई, आ जा यार, मतलब उसके ऊपर चले जा। तो गाइस तो अभी देखो ये यहाँ पे वापस चला जा रहा है, पीछे क्यों जा रहा है भाई, पीछे नहीं जाना। देखो इसको दोबारा टेम करना पड़ता है मेरे को बार बार में, और यहाँ पे ये दोबारा से खाने बैठ जाता है यार, पता नहीं क्या है यार। मैं इतने मुश्किल से इसको लाया हूँ ना, मतलब मेरा बहुत टाइम गया इसके पीछे, कम से कम 2 घंटा। मेरे को ढकार आ रही है, सॉरी। तो देखो मैंने गेट तोड़ के इसको अंदर ले आया मैं, ठीक है, एंड फिर मैंने गेट बंद कर दिया। भाई इतना शोर मचाते नहीं ये शीप्स, भाई क्या बताऊँ। तो भाई जल्दी आप पांडे, बहुत स्लो है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्लो है। वो तो अच्छी बात है कि मेरा जो बायोम था वो बहुत ज़्यादा पास था, वरना बहुत टाइम लगता इसको लाने में, वरना बहुत टाइम लगता यार, और बहुत टाइम, बस इतना ही बोलूँगा, बहुत टाइम लगता यार। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगा है ये वीडियो बनाने में मेरे को, तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड अभी मैंने इसको एक केज में बंद करा है, लेकिन चिंता मत कर, मैं घर बना दूंगा भाई, सबके लिए घर बनाता हूँ मैं।
सस्ता माइनक्राफ्ट प्लेयर हूँ मैं, क्रिएटर क्रिएटर बोल रहा था। तो गाइस तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो पांडास हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये मत बोलने लग जाना तुम, ठीक है? क्योंकि दो पांडास क्यों हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, इसलिए है क्यों मैं एक और पांडा लाया था। कैसे भाई, मैंने बोला था ना दो पांडा थे वहाँ पे, तो एक पांडा को दूसरे पांडा को भी लेके आया मैं मुश्किल से। तो ये मैं दूसरे दिन लाया था और मैं अभी एडिट करके, समझ लो दिस इज ए कॉल्ड एडिटिंग टेक्निक्स। एंड तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ कुत्ताज हैं, और मैं टेक्नो गेम्स की कॉपी नहीं कर रहा शायद, या शायद कर रहा हूँ पता नहीं, लेकिन डॉग्स सही है तैयार, मतलब स्केलेटन मैंने को मारने के लिए, मतलब डॉग्स इज ओपी। तो गाइस आई थिंक आज के लिए वीडियो बस यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि बहुत हमने चीटिंग बिटिंग मतलब एकदम कर दिया सब कुछ यार, ख़त्म कर दिया, और मेरे को नहीं लगता और वीडियो बनानी चाहिए आगे, क्योंकि कोई देखेगा नहीं। तो गाइस आई थिंक आज के लिए बस इतना ही था, मिलते किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।